हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो ये क्या है, एक ही लॉ है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लोग अल्टरनेट नेम से भी जानते हैं। ओके, तो इसे हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ इसे लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फो जान देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि मेंडल ने सबसे पहले स्टडी की थी इनहेरिटेंस की। ओके, तो मेंडल ने क्या देखा था, तो ही स्टडीड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो मेंडल वॉज द वन हु स्टडी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इन्होंने क्या देखा था, ये कैसे देखा था? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो पी प्लांट है उसे अपने गार्डन में ग्रो किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो पी प्लांट है, पी प्लांट जिसे हम लोग पाइसम सेटाइवम भी बोलते हैं। ओके, तो इसका अगर बोटेनिकल नेम देखें तो ये पाइसम सेटाइवम। ओके, तो इन्होंने देखा कि इनके गार्डन में जो पी प्लांट्स थे उसमें बहुत से वेजेस डिफरेंसेस इन्होंने देखे प्लांट्स में। ठीक है, उन डिफरेंसेस की अगर बात करें तो उन्होंने देखा कि कुछ जो पी के प्लांट थे वो क्या थे, टॉल थे। ठीक है, कुछ प्लांट थे वो बहुत ही ड्वार्फ थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने जो फ्लावर का जो कलर है वो भी इन्होंने डिफरेंस देखा कि कुछ जो फ्लावर के कलर थे वो पर्पल थे। ठीक है, वो पर्पल थे और कुछ जो फ्लावर का कलर था वो था वाइट। ओके, तो इन्होंने क्या देखा कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखे, जैसे इन्होंने देखा कि जो सीड का जो शेप था वो राउंड येलो था। कैसा था, राउंड येलो। और कुछ केसेस में क्या इन्होंने देखा, जो सीड का कलर था वो रिंकल्ड ग्रीन था। वो कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो इन्होंने ये सब देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। ओके, प्लांट्स में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो टॉल हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो ड्वार्फ हैं, उन्हीं के साथ साथ जो कुछ प्लांट है उनका कलर जो है वो पर्पल है, पर्पल कलर है, कुछ प्लांट्स का जो फ्लावर है उसका कलर जो वाइट है। इसके साथ ही साथ अगर हम सीड की बात करें कि कुछ सीड जो है प्लांट के वो राउंड येलो हैं और कुछ जो सीड है वो रिंकल्ड ग्रीन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है तो ये जानने के लिए उन्होंने अपनी जो नॉलेज थी साइंस और मैथमेटिक्स को उसको यूज करके इन्होंने जो है पी प्लांट में स्टडी किया। ठीक है, अब स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट टर्म दिए। ओके, तो पहला टर्म क्या था, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या था, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो ये क्या था, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या था, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनली वन ट्रेट। ओके, तो दिस मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनली वन ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो इट विल बी फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट। ओके, तो एक इन्होंने ये टर्म दिया मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। दूसरा टर्म इन्होंने क्या दिया, दूसरा टर्म दिया इन्होंने डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो इन डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मोर देन वन करेक्टर और मोर देन वन ट्रेट। तो इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टू ट्रेट। ओके, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ टू ट्रेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें तो कलर एंड शेप। ओके, तो एग्जाम्पल देखे तो क्या है, कलर या शेप, ये सीड का भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ टू ट्रेट। तो इन्होंने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, द फर्स्ट वन वॉज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, द सेकेंड वन वॉज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनली वन ट्रेट, और वो ट्रेट क्या हो सकती है, हाइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले तो इट कैन बी हाइट। If we talk about the dihybrid inheritance, so in dihybrid inheritance, it involves the transfer of more than one character or trait. Okay, so it involves, for example, color and shape of seed.
ओके तो ये एक बेसिक इन्फो थी अबाउट द वर्क ऑफ मेंडल एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस और वी कैन से द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके तो लेट्स स्टार्ट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर तो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताया कि अगर आप कोई भी प्योर टॉल प्लांट लें कैपिटल टी ये प्योर टॉल है एज वी ऑल नो और उसका क्रॉस करा दे प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ. ओके तब हमें जो F1 जनरेशन में प्लांट मिलेंगे वो क्या होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके तो ये हमारा क्या हो गया F1 जनरेशन में प्लांट. ठीक है F1 जनरेशन में अब F1 जनरेशन में हमें कितने प्लांट मिलेंगे तो टोटल अगर हम क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके तो हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में 4 टॉल प्लांट मिले. कितने मिले 4 टॉल प्लांट करेक्ट. अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उसमें जो टी एलील था ये एलील कैपिटल टी एलील ये क्या कर रहा है डोमिनेट कर रहा है ओवर द स्मॉल टी एलील. देखिए जितने प्लांट है सब में कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है. ठीक है तो इसमें क्या हुआ जो प्लांट है वो सब टॉल है. अब टॉल प्लांट कब होंगे तो उसका जीनोटाइप भी देख लेते हैं. टॉल प्लांट तभी होंगे जब उसमें कैपिटल टी जीनोटाइप हो या उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप हो. जहां पर भी जो किसी प्लांट का कैपिटल टी जीनोटाइप या कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होगा तो वहां पर जो प्लांट होंगे वो सब टॉल होंगे. तो ये चारों प्लांट जो F1 जनरेशन में वो टॉल हुए. ठीक है अब मेंडल ने क्या किया इन दो प्लांट्स को लिया. अब उन्होंने क्या किया दो प्लांट्स को लिया आउट ऑफ दीज 4 प्लांट He has used 2 other plant, capital T, small t. एक प्लांट ये ले लिया दूसरा ये ले लिया अब दोनों में क्रॉस करा दिया. क्लियर अब इन्हें क्या मिला अब देखते हैं. जब इन्होंने इन दोनों में क्रॉस कराया तो इन्हें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके अब देखिए F2 जनरेशन में इन्हें कितने प्लांट मिले 2 इन्हें कितने प्लांट मिले 4 प्लांट. लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें आउट ऑफ दीज 4 प्लांट 3 आर टॉल एज वी नो टॉल इट विल आल्सो बी टॉल बट ये जो चौथा प्लांट मिला इट इज ड्वार्फ. ओके और ड्वार्फ की क्या कंडीशन होगी क्या जीनोटाइप होगा ड्वार्फ का जीनोटाइप होगा स्मॉल टी. ठीक है अब इन्होंने क्या देखा देखिए F1 जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला. ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्वार्फ का जो स्मॉल टी था वो रेसेसिव था. अब इसी कैरेक्टर को इन्होंने क्या बोल दिया रेसेसिव कैरेक्टर. ठीक है और जो दूसरा कैरेक्टर था जो हर जनरेशन में अपीयर हो रहा है उसे क्या बोला इन्होंने उसे बोला डोमिनेंट कैरेक्टर. तो यहां पर 2 टर्म आ गए रेसेसिव कैरेक्टर एंड डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है तो इसमें देखिए कैपिटल टी फर्स्ट जनरेशन में भी अपीयर हुआ और जहां पे जो कैपिटल टी था वहां पे जितने प्लांट्स मिले उन्हें आउट ऑफ दिस 4 प्लांट ऑल 4 विल बी टॉल. तो यहां पे अगर रेशियो हम लोग देखें टॉल वर्सेस ड्वार्फ का F1 जनरेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा 4:0. क्लियर क्योंकि चारों प्लांट क्या मिले हमें टॉल मिले. वहीं अगर हम बात करें F2 जनरेशन की अगर F2 जनरेशन की हम बात करें तो F2 जनरेशन में हमें कितने प्लांट्स मिले अगर हम टॉल और ड्वार्फ का रेशियो देखें तो F2 जनरेशन में हमें कितने टॉल मिले 3:1. ओके 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिले. तो इससे क्या पता चलता है कि जो कैपिटल टी है
ठीक है, इट इज डोमिनेंट इन नेचर व्हाइल द स्मॉल टी इट इज रिसेसिव इन नेचर। ओके, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, इफ अ पेयर ऑफ कंटेस्टिंग कैरेक्टर दैट इज प्योर टाल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी इफ वी क्रॉस बिटवीन दीज टू पेरेंट्स देन वी विल गेट द फोर प्लांट विच विल बी टॉल इन नेचर। ओके, तो द प्लांट विच वी विल ऑब्टेन इन एफ वन जनरेशन ऑल प्लांट विल बी टॉल। तो हेयर क्या हुआ कि कैपिटल टी जो जीन था या कैपिटल टी जो एलील है वो क्या है, डोमिनेंट नेचर शो कर रही है, इट इज हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ स्मॉलर टी। ओके, बिकॉज ऑफ दैट दिस कैपिटल टी इट इज डोमिनेंट इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल द फोर प्लांट विच अपीयर इन द एफ वन जनरेशन दे आर टॉल। ओके, आफ्टर दैट इन एफ टू जनरेशन वॉट ही डिड, अगेन ही टुक टू प्लांट्स, दिस वन एंड देन ही अगेन क्रॉस्ड। ओके, आफ्टर दैट वॉट ही फाउंड दैट इन एफ टू जनरेशन अगेन फोर प्लांट्स अपीयर, फोर प्लांट फॉर्म, आउट ऑफ दिस थ्री प्लांट्स वर टॉल एंड इट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, बट द वन प्लांट विच इज हैविंग अ जीनोटाइप ऑफ स्मॉल टी। ओके, देन ही रियलाइज ओके सो दिस स्मॉल टी एलील इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग इन द एफ वन जनरेशन। ओके, इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग इन एफ वन जनरेशन, इट मीन्स इट इज रेसेसिव इन नेचर। ओके, बट इन द फर्दर जनरेशन दैट इज एफ टू जनरेशन इट इज अपीयरिंग। ओके, और इट इज एक्सप्रेसिंग। ओके, तो इससे क्या पता चला कि स्मॉल टी जो है इट इज रेसेसिव इन नेचर एंड इट शोज अ रेसेसिव कैरेक्टर। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड वॉट इज मीनिंग ऑफ दिस, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। तो हियर यू सी कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। ओके, दैट आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। सो दिस इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, एंड वॉट इज द लाइक हिस्ट्री बिहाइंड दिस लॉ एंड हाउ मेंडल कैलकुलेटेड और वी कैन से हाउ ही हैज यूज हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस टू मेक पीपुल अंडरस्टैंड अबाउट द जेनेटिक्स। ओके, सो द सेम थिंग नाउ वी विल डू विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। सो वी विल टेक अगेन प्योर टॉल एंड क्रॉस विद द प्योर ड्वार्फ। ओके, तो दिस विल बी अ प्योर टॉल एंड दिस विल बी अ प्योर ड्वार्फ। ओके, नाउ वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वायर। ओके, सो पुन्नेट स्क्वायर इज लाइक अ स्क्वायर टाइप। ओके, तो हेयर ओके, तो हेयर वी विल कीप द पैटर्नर गैमिट्स, विल यूज सम अदर कलर। ओके, पैटर्नल गैमिट, एंड नॉर्मली इन द अदर साइड मैटर्नल गैमिट, दैट यू ऑलरेडी पीपल नो आई थिंक। ओके, तो वन साइड वी विल कीप ऑन द टॉप पैटर्नल गैमिट एंड टुवर्ड द लेफ्ट मैटर्नल गैमिट। ओके, नाउ वी विल कीप कैपिटल टी। ओके, हेयर वी विल लाइक सम मोर, आई थिंक द फिगर शुड बी मोर सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो देयर पुन्नेट स्क्वायर एट द टॉप पैटर्नल गैमिट्स एंड देन एट द लेफ्ट मैटर्नल गैमिट। ओके, सो नाउ इफ वी टेक कैपिटल टी हेयर एंड द अनदर वे अदर साइड वी विल कीप स्मॉल टी। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ओके, सो दिस कैपिटल टी इट विल फ्यूज विद स्मॉल टी गैमिट, तो व्हाट वी विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, दैट वी विल गेट, देन दिस स्मॉल टी गैमिट इट विल फ्यूज विद कैपिटल टी, तो व्हाट वी विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अगेन स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो हाउ मेनी प्लांट्स वी विल गेट इन एफ वन जनरेशन, दिस इज आई एम डिस्कसिंग
अबाउट द एफ वन जनरेशन. सो दिस इज एफ वन जनरेशन. ओके, तो हियर यू सी व्हेन कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यू देन इट फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, हियर द कैपिटल टी इट इज डोमिनेंट इन नेचर, सो द प्लांट विल बी ए टॉल. ओके, तो इन एफ वन जनरेशन दिस प्लांट विल बी टॉल. इन अदर केस इफ यू सी हियर अगेन कैपिटल टी इज प्रेजेंट, तो इट विल अगेन टॉल. ओके, देन इन अ थर्ड प्लांट ऑल्सो इट विल बी टॉल बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो अगेन इट विल टॉल. एंड अगेन इन द फोर्थ प्लांट ऑल्सो कैपिटल टी इज प्रेजेंट, इट इज डोमिनेंट एंड इट इज एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ, सो अगेन द प्लांट विल बी टॉल. ओके, तो इफ वी सी द रेशियो, तो वॉट रेशियो वी विल गेट, 4:0, 4 विल बी टॉल एंड 0 विल बी ड्वार्फ. अंडरस्टूड? तो दिस इज इन एफ वन जनरेशन. ओके, तो हियर यू सी none of the small t allele is expressing. Okay, means it is not dominant over the capital T allele. Understood, na? It means if both allele express like small t genotype will be present, then it will be a dwarf. But here what we are saying that here no small t is present. So what we say that this capital T, it is dominant in nature, while the small t allele, it is recessive in nature. Okay, and this capital T, it is dominant and it is hiding or masking the effect of the other allele, that is small t. Okay, for example, जैसे अगर कोई एक मोटा लड़का हो, बहुत तगड़ा हो, या कोई उससे कम हाइट का हो, उसका जो वजन है या वेट है उसका कम है, तो जो लड़का है जिसका हाइट अच्छा है, जिसकी मसल्स अच्छी है, वो क्या करेगा कि जो छोटा मोटा लड़का होगा, जैसे वो बेचारा ना उसकी मसल्स है ना ही वो इतना अच्छा इतना मोटा है, तो जो लंबा चौड़ा लड़का होगा वो उसको दबाएगा. ठीक है, उससे बोले कोई भी अपना काम करवा सकता है, सब करवा सकता है. ठीक है, क्योंकि वो उतना स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, उसी तरह क्या है इसमें कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है. ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्मॉल टी को दबा रहा है, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है. ठीक है, तो इसीलिए जो एफ1 जनरेशन में जो प्लांट है वो सारे टॉल है और रेशियो में क्या मिला, 4:0. ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दोबारा जो एफ2 जनरेशन में क्या होगा वो देख लेते हैं. ठीक है, इसे भी हम लोग पेंडेंट स्क्वायर से देखेंगे. अब हम लोग इसमें से कोई भी टू प्लांट लेते हैं, सेम फिर से हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर. अब इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, तो हम लोग ने एफ1 जनरेशन पे दो प्लांट लिए और उसको क्रॉस करा दिया. ठीक है, अब देखते हैं पुनेट स्क्वायर की तरफ से क्या होता है. तो देखिए, आप कैपिटल टी गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी मिलेगा हमें. फिर दूसरा क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा. तीसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा, अगेन हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा. ओके, नेक्स्ट स्मॉल टी मिलेगा. ठीक है, अब इस केस में देखिए, ये हमारा हो गया F2 जनरेशन. ओके, ये हो गया F2 जनरेशन. अब देखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ, हमें जो पहला प्लांट मिला, ठीक है, हमें जो पहला प्लांट मिला इसमें दोनों डोमिनेंट एलील हैं, तो ये टॉल हो गया, जैसा कि हमने बताया आपको पहले. इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी स्टिल्स में कैपिटल टी प्रेजेंट है, व्हिच इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. ओके, तो हियर द प्लांट विल बी अगेन टॉल. ओके, इन द थर्ड केस द थर्ड प्लांट में भी इसमें भी कैपिटल टी इज प्रेजेंट, टू अगेन द प्लांट विल बी अ टॉल. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ प्लांट, इन द फोर्थ प्लांट बोथ एलील्स आर होमोजाइगस, मीन स्मॉल टी. अब स्मॉल टी क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द ड्वार्फनेस. ओके, तो हियर द प्लांट विल बी अ ड्वार्फ. ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या मिला, हमें तीन टॉल मिले, एक ड्वार्फ मिला. ओके, तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ का रेशियो अगर हमें देखें तो हमें क्या मिलेगा, 3:1. ओके, अगर हम लोग और अच्छे से इसका, अगर ये हमारा क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज अवर फिनोटिपिक, मतलब बाहर से आपको प्लांट देखने में कैसा लग रहा है. ये चारों प्लांट अगर आप देखें बाहर से तो आपको तीन प्लांट जो है वो आपको टॉल दिखेंगे और एक प्लांट आपको ड्वार्फ दिखेगा. लेकिन अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशियो जानना चाहते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, देखते हैं वो भी. तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, 3 कंडीशन आएगी. फर्स्ट विल बी अ होमोजाइगस डोमिनेंट, सेकेंड विल बी अ हिट्रोजाइगस डोमिनेंट, एंड अ थर्ड विल बी अ होमोजाइगस रेसेसिव. क्योंकि हमें ये तीन टाइप के प्लांट्स मिलेंगे F2 जनरेशन में.
ओके तो थ्री कंडीशन हमें मिली है, फर्स्ट द होमोजाइगस डोमिनेंट, सेकंड हेटरोजाइगस डोमिनेंट, थर्ड होमोजाइगस रिसेसिव। ओके तो अगर हम इसका रेशियो देख लें तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक प्लांट है, देखिए दोनों कैपिटल टी एलील्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। ओके तो हमें क्या मिलेगा ये रेशियो वन। नेक्स्ट हेटरोजाइगस डोमिनेंट मींस जिसमें टू टाइप्स के एलील प्रेजेंट हो, हेटरोजाइगस मींस टू टाइप्स ऑफ एलील्स, तो इसमें देख कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसका रेशियो क्या आएगा टू, मींस आउट ऑफ फोर प्लांट टू प्लांट विल बी हेटरोजाइगस डोमिनेंट। ओके नेक्स्ट होमोजाइगस रिसेसिव जिसमें रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, रिसेसिव एलील मींस स्मॉल टी, तो देखिए इसमें जो प्लांट है वो स्मॉल टी है। ओके तो इस प्लांट का जीनोटाइप है वो स्मॉल टी है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही प्लांट मिला है, तो ये हो गया वन। तो अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो दिस इज अ जीनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो इट विल बी 1:2, 1:2:1। ओके तो आउट ऑफ फोर प्लांट वन विल बी अ होमोजाइगस डोमिनेंट, टू विल बी अ हेटरोजाइगस डोमिनेंट एंड वन विल बी अ होमोजाइगस रिसेसिव। ओके तो हमें फोर टाइप के प्लांट्स मिले, तो इसमें क्या हुआ मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा अगर हम लोग दो टाइप के जो प्लांट्स हैं या जिनका जो जो कि प्योर टॉल है और प्योर ड्वार्फ है अगर उनका क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें जो फोर प्लांट मिलते हैं वो सभी टॉल हो रहे हैं, और उनमें जो जीनोटाइप में अगर उसका देखें तो उसमें जो कैपिटल टी है वो एलील, कैपिटल टी एलील जो है वो डोमिनेट कर रही है ओवर द स्मॉल टी एलील, जिसकी वजह से जो फोर प्लांट थे वो सब टॉल थे। ठीक है लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो अब इन्हीं में से कोई हम दो प्लांट लेते हैं और उसको क्रॉस कराते हैं, तब देखते हैं जो F2 जनरेशन में जो प्लांट मिलेगा उनमें भी क्या सारे टॉल प्लांट आएंगे कि कुछ अलग प्लांट भी आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर इन दोनों प्लांट को लिया, कोई भी आउट ऑफ फोर प्लांट ही हैज टेकन टू प्लांट एंड अगेन ही हैज क्रॉस्ड। ओके क्रॉस करने का फिर उन्होंने क्या पाया कि जो नेक्स्ट F2 जनरेशन प्लांट है उसमें जो फोर प्लांट आए, फोर में से थ्री प्लांट जो है वो टॉल थे और एक प्लांट लेकिन उन्हें ऐसा मिला जो कि ड्वार्फ था। ओके तो इन्होंने देखा कि थ्री प्लांट टॉल वन प्लांट ड्वार्फ। ओके तब इन्होंने देखा ओके तो ये ऐसे होता है, मतलब F1 जनरेशन में जो स्मॉल टी एलील है वो एक्सप्रेस नहीं करी या हम कह सकते हैं कि वो डोमिनेट नहीं करी। ओके लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आई तो उसमें जो जीन पेयर आया उसमें देखिए दोनों जो एलील है वो प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट स्मॉल टी। ओके जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ड्वार्फ आया। इसके बाद इन्होंने दो कैरेक्टर दिए, जो एलील डोमिनेट कर रही है जो हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रही है उसको उन्होंने डोमिनेंट बोल दिया। तो कैपिटल टी क्या है देखिए F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी F1 में भी आया है और F2 में भी आया है, क्लियर। F2 में कैपिटल टी भी आया लेकिन F1 में देखिए कैपिटल टी नहीं आया है। ठीक है तो इसका मतलब जो कैपिटल टी है इट इज डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉलर एलील और वी कैन से डोमिनेटिंग ओवर द अदर एलील, इट इज हाइडिंग और मास्किंग द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील, बिकॉज ऑफ दैट दिस कैपिटल टी ही हैज गिवन द टर्म डोमिनेंट। ओके अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वही उन्होंने देखा कि ओके तो मतलब ये जो कैपिटल टी इट इज डोमिनेटिंग ओवर द अदर एलील, तो देखते हैं अगली जनरेशन में क्या होता। तो अगली जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो रिसेसिव एलील भी आ गया इसमें, ये स्मॉल टी जो एलील है ये भी प्रेजेंट है, इसका भी एक जीन पेयर आ गया एक प्लांट में। ठीक है तो इस प्लांट में इन्होंने क्या देखा कि इसका जीनोटाइप तो स्मॉल टी है, इसका मतलब ये तो स्मॉल टी है। ठीक है ये F1 जनरेशन में जो ये जीन पेयर है स्मॉल टी ये एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन सब्सिक्वेंट जनरेशन में ये जो जीन पेयर है ये प्रेजेंट है, यानी जो आगे की जनरेशन में जो प्लांट्स हैं हम उसमें बोल सकते हैं कि ये जो जीनोटाइप है स्मॉल टी ये भी एक्सप्रेस हो सकता है। मीन्स द टू कैरेक्टर दे कैन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सो ऑल दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल वी कैन से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स आल्सो। ओके बिकॉज हियर क्या हो टू गैमिट दे आर फ्यूजिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ओके इससे कैपिटल टी गैमिट आया इससे स्मॉल टी आया, ठीक है तो फॉर्म टू डिफरेंट पेरेंट दिस गैमिट दे आर फ्यूजिंग विद ईच अदर एंड देन दे आर फॉर्मिंग द प्लांट, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। ओके तो इस हाइब्रिड से हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड से क्या मतलब है, तो लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड से मतलब क्या है कि देखिए एक प्लांट ये एक ये है,
इसमें से जो गैमेट्स हो रहे हैं दे आर सेपरेटिंग, मीन्स ये जो जीन पेयर है दे आर मेकिंग द गैमेट्स, ओके, एंड दिस गैमेट दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड देन दे आर फ्यूजिंग विद द अदर पेरेंट, ओके. इससे जो गैमेट आया वो इसके साथ फ्यूज कर गया, ओके. इसका गैमेट जो आया वो इससे फ्यूज कर गया, ओके. इसी के साथ क्या हो रहा है, जो हाइब्रिड से जो गैमेट्स है दे आर स्प्लिटिंग, ओके. तो इसीलिए इससे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने टोटल ऑलमोस्ट टोटल इन्होंने 1064 प्लांट्स में इन्होंने ये देखा, ठीक है, ओके. जिसमें से टॉल कितने थे 787 एंड ड्वार्फ कितने थे 277, ओके, क्लियर. अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने इसके लिए 1064 प्लांट इन्होंने देखा, इन्होंने 1064 प्लांट पे किया था, ठीक है. अब देखिए 1064 प्लांट को मैनेज करना और उसमें ये सारी कैलकुलेशन करना या उन्हें कंटिन्यू बहुत ही क्लोजली उन्हें देखना कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब बहुत बड़ी बात है, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, टोटल 1064 प्लांट लिए, उसमें से उन्होंने क्या देखा 787 जो प्लांट थे वो टॉल थे, ठीक है. आउट ऑफ 1064 प्लांट 787 प्लांट वर टॉल व्हाइल द 277 प्लांट्स दे वर ड्वार्फ, ओके. तब इन्होंने क्या किया, रेशियो निकाला, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, रेशियो निकाला. तो रेशियो क्या उन्हें मिला, 2.84:1. तो उन्हें रेशियो क्या मिला, 2.84:1. मतलब अगर हम मार्केट टॉल और ड्वार्फ की आउट ऑफ दिस 1064 देन ही फाउंड 2.84:1. तो उन्हें ये रेशियो मिला, ठीक है. तो विट इज क्लोजली इक्वल टू 3:1. That also we can say, na, because this is 2.8. So as we know, if the value is more than 2.5, then we can consider it 2.8. So we can consider it 3. Okay, so it is closely, like closely towards the 3. So we can say this is a 3:1 ratio also. Okay, so this is all about the law of segregation और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और द लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड. सो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सब चीज़ें जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से रिलेटेड अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है. तो यहीं पे मेरा वीडियो जो है मैं फिनिश करता हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे. तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. टिल देन टेक केयर, गुड बाय बाय.